हेलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और ठंडियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। ठंडियाँ तो अब बहुत हद तक की कम हो गई हैं और धूप भी अब बराबर निकलने लगी है। काफ़ी बदली बदली होने के बाद में धूप अच्छी सी अब होने लगी। आज बहुत अच्छी धूप है। तो आज सुबह छोटा मोटा नाश्ता ही बनाया था तो भूख लग गई है। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं आज मटर का निमोना, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसमें क्या क्या लगता है ये हम आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए, एक आड़ी लहसुन और दो इसमें हरी मिर्च और ये कुछ अदरक के टुकड़े और ये देखिए मटर है। तो मटर इसी में डाल के हमें पीसना है। बहुत दिन से सोच रहे थे पर मौका ही नहीं मिल पा रहा था, कहीं कुछ तो त्यौहार ही आ जाते हैं बीच बीच में तो नहीं बन पाए। तो फिर मैंने सोचा चलो आज बना ही लेते हैं। तो कुछ मटर हम बाद में डालेंगे और ये इतनी हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने हरी मटर पीस ली है और इधर चढ़ा दिया है कढ़ाई, और कढ़ाई में थोड़ा सा भी पानी है और इसमें हम डालते हैं सरसों का तेल। तो ये देखिए, मैंने आलू काट कर रखी थी तो इसे मैंने उबाला नहीं था, उबाल के भी बना सकते हैं। तो हम इसको तेल में ही फ्राई कर लेते हैं। तो इसको धीमी आंच में हम धीरे धीरे से 2-3 मिनट पका लेते हैं। बहुत जल्दी आलू पक जाती हैं ऐसे भूनने से और इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और जब तक कि मेरी इधर आलू पक रही है तब तक मैंने इधर काट लिए हैं 2 टमाटर। तो मेरी आलू पक चुकी है, काट के दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए अच्छे से पक चुकी है। ये देखिए, ये देखिए। तो बस अब इसको हम निकाल लेते हैं। और आलू में हमारा तेल लगा नहीं बिल्कुल, देखिए बहुत थोड़े से तेल में ही हमारी आलू जो है अच्छे से पक चुकी हैं। और इसमें थोड़ा सा तेल हम और डाल लेते हैं। अब हम डालेंगे इसमें जीरा। जीरे के बाद हम डाल रहे हैं हींग। और उसके बाद हम डालेंगे जो हमने मटर का पेस्ट बनाया था उसे डाल देते हैं इसमें। अब इसको धीमी आंच में हम धीमे धीमे से पकाएंगे। मेरी मटर थी वो पक चुकी है अच्छे से। ये देखिए खुशबू भी इसमें बहुत गजब की आ रही है, लहसुन और अदरक की बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही। तो अब इसमें हम डाल देते हैं टमाटर। मटर जल्दी गल जाए इसके लिए हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, और साथ ही हम डाल लेते हैं मसाले अपने। तो उसमें बहुत थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, धनिया पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्च हम नहीं डालें पर डाल सकते हैं क्योंकि हमारी हरी मिर्च तीखी थी, इसलिए अब हम अगर लाल मिर्च डालेंगे तो तीखा हो जाएगा। ये जो मैंने हरी मटर बचा कर रखी थी वो भी इसी में डालेंगे हम। और धीमी आंच में हम मसालों को पका लेंगे। और अब हम डाल लेते हैं, टमाटर हमारे गलने लगे हैं और हम डाल लेते हैं फ्राई की हुई अपनी आलू। इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं और खुशबू वाकई मानेंगे नहीं आप, बहुत गजब की आ रही है। आप जब बनाएंगे ना तो खुद ही आपको पता चलेगा कि जो अदरक और लहसुन डाला है उसकी खुशबू बहुत गजब की आ रही है। अभी मेरा कलर चुका है, उसमें डाल देते हैं हम पानी।
और आप भी अपने यहाँ बनाइए और सबको खिलाइए। और वाकई निमोना बहुत टेस्टी बनता है। तो इसमें सारा कुछ तो पका हुआ है, बस ये हरी मटर थोड़ा सा पक जाए बस हम इसको उतार लेंगे। निमोना जो है पक चुका है और ये देखिए कितना टेस्टी भी लग रहा है। तो ये देखिए हमारा निमोना बनकर तैयार हो चुका है और देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। देखने में इतना अच्छा है तो खाने तो में तो गाइस अच्छा बताइएगा होगा। हमारे निमोना की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। और अभी मैं आपको तुरंत ही टिप अपना बता देती हूँ। तो आज का टिप है, अगर आपकी अगर चक्कू आपकी चलते समय मतलब रोजाना इससे काम करते हैं और इसकी धार सही से ना चल रही हो तो आप क्या कर सकते हैं, नमक का डिब्बा लीजिए और भरा हुआ हो और उसमें यूं करके काफ़ी देर तक ही करते रहिए और आपकी चक्कू एकदम तेज़ धार वाली हो जाएगी। तो यह है आज का छोटा सा टिप। और बाय बाय।